लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स पढ़ा था, नेचुरल सिंथेटिक, नेचुरल में प्लांट्स एंड एनिमल्स. यू गाइस रिमेम्बर दी एग्जांपल्स. जिनको याद नहीं है एग्जांपल्स, वो लोग अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके देखेंगे. येस्टरडेज वीडियो यू विल वॉच. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, हम लोग एक वीडियो देखेंगे. आपके इस चैप्टर में आप लोग दो टाइप ऑफ फाइबर्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे. वन इज कॉटन एंड जूट. आलिया आपका नेटवर्क खराब है, मैं क्या करूं अभी. ओके, सो वी आर वॉचिंग अ वीडियो जहाँ पे वो कॉटन एंड जूट के बारे में, वो कैसे बनता है फाइबर कॉटन प्लांट से और जूट प्लांट से, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, इन दैट वीडियो पे अटेंशन टू इट. आपको कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है. मैं बीच बीच में आप लोग को स्क्रीन शॉट लेने को बोलूंगी, वो बाद में आप अपने नोटबुक्स में लिख लेना. ठीक है, उसके बाद वॉट वील डू इज विल प्ले अ गेम जहाँ पे आप लोग टेक्स्ट बुक रीड करके अरेंज करोगे इन एन ऑर्डर कि कॉटन फाइबर कैसे प्रोड्यूस होता है. डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड इट. पर्पस हमारा ये है कि हम जाने कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है. ओके, ऐसे नहीं हो सकता कि कॉटन पहले निकाल रहे हो, बीज बाद में बो रहे हो. नहीं, यू विल हैव टू फर्स्ट प्लांट द कॉटन प्लांट, मतलब सीड्स डालने पड़ेंगे उसके, फिर प्लांट आएगा एंड ऑल दैट थिंग इज देयर. सो वी हैव टू रिमेम्बर द ऑर्डर फर्स्ट. ठीक है, जस्ट नोटिस कि फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या हो रहा है इसमें, ऑल दैट. ओके, आई एम गोना स्टार्ट द वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट्स इन बिटवीन प्लीज रेज योर हैंड. Plant fibers, cotton and jute. We obtain plant fibers from plants such as cotton, jute, hemp, flax, etc. Okay, देख लो, प्लांट फाइबर्स में हेम और फ्लैक्स भी आता है, जो हमने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा है. हमने सिर्फ कॉटन और जूट पढ़ा है, बट इट्स ओके, यू कैन रिमेम्बर दिस. आई एम गोना मूव फॉरवर्ड इन 3, 2, 1. इन दिस वीडियो we will understand more about cotton and jute fibers. Cotton fibers are obtained from cotton plants. Cotton plants are grown in the fields having black soil. It needs warm climate for its growth. It is grown in Punjab, Haryana, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Andhra Pradesh state. टेक अ स्क्रीन शॉट. कॉटन प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो हो रहे हैं ये अपने नोटबुक में आप लिखोगे. आपको मैप बनाने की जरूरत नहीं है. यू विल जस्ट राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स. ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड इन 3, 2, 1. स्टेट्स ऑफ इंडिया. अ कॉटन प्लांट इज स्मॉल और मिडिल साइज्ड वुडी बॉडी. इट इज कैटेगराइज्ड एज श्रब और बुश. ड्यूरिंग फ्लावरिंग, take a screenshot here. What type of plant is a cotton plant? It is a shrub or a bush. Very chota chota plant it is. It's not a cotton ka ped. ठीक है, पूरा बड़ा से tree नहीं है, it's a plant. During flowering, the cotton plants produce flowers of yellowish white color. After few days, these flowers turn pink red. Slowly, फ्लावर चेंज इनटू ग्रीन कॉटन बॉल्स. यहाँ पर आई वांट यू टू नोटिस दिस स्पेलिंग. इट इज बॉल्स, बी ओ एल एल एस, नॉट बी ए एल एल. कॉटन बॉल नहीं बोलोगे, बी ए एल एल वाला बी ओ आएगा यहाँ पे. ठीक है, कंटिन्यूइंग द वीडियो. ग्रोन कॉटन बॉल इज सिमिलर इन साइज ऑफ दैट ऑफ लेमन. After maturity, these balls burst open and we see soft, fluffy white cotton with seeds covered in it. Cotton and cotton ball can contain about 5 lakh cotton fibers. If you look at the field with white cotton, it looks as if field is covered with snow. Cotton is picked from the balls with hand. The seeds are separated from fibers by combing. This process is called ginning of the cotton. Okay, now please take a screenshot of this. Seeds kaise separate karte cotton se? I'm gonna let you guys unmute and ask your doubts in just two minutes. Okay? So isko kehte hai ginning of ya ginning ya ginning of cotton. Okay? Previously, ginning was done by hands.
However, these days, well-developed machines make the work easy. This is how. Take a screenshot of this also. पहले गिनिंग कैसे होती थी और अभी कैसे होती है? Nagma has a doubt. I'm gonna ask you your doubt. We get cotton fiber. Cotton fibers are used for making clothes, the most soft and breathable textile. The word textile means flexible material made from fibers. Cotton is also used for filling mattresses, quilts, or pillows. Jute. Okay. You can take a screenshot of this uses of cotton. I'm going to pause the recording here. Okay. I'm going to start playing the jute wala part. Jute fiber is a soft and long natural fiber. As it have golden and silky shine, therefore it is also called golden fiber. It is obtained from jute plant. Jute plants are grown mainly in the fields of West Bengal, Bihar and Assam. Take a screenshot here. Yes, ma'am. Okay, moving forward. Ma'am, ye pura likhna hai, ma'am. हाँ ये एक 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 वर्ड है गाइस, ये आपको नोट्स में बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो. अभी फिर आपको मैम थोड़ा बैक कीजिए मैम. नोट में आके ये पे क्या ये प्लांट का नाम और एरिया का नाम लिखना है मैम. हाँ आपको ये ड्राइंग्स करने की जरूरत नहीं है, आप बस एरो डाल. वो मैम आई टेल दिस इंडिया मैप मैम बिहार आसाम दिस इज राइट नोटबुक मैम. यस आई टेल यू हाउ यू विल जस्ट राइट जूट फाइबर. ओके मैम. ओके उसमें ब्रैकेट में लिखोगे गोल्डन फाइबर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. फिर एक एरो डालोगे जूट प्लांट. ठीक है. ओके मैम. उसके बाद एक एरो डालोगे और ये तीन नाम लिखोगे. आपको ये ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से. डन डन परफेक्ट. गो ऑन म्यूट. अकृतिन डन हो गया, आगे प्ले करो. यस मैम. यस मैम. It is cultivated in rainy season. The jute plants are harvested at the flowering stage. Jute fibers are obtained from outer skin of jute plants called ribbon. Fibers are also obtained from the stem of jute plants. Stem of jute plant. Okay, now यहाँ पे ये वाला part का आप screenshot ले लो. Jute plant का जो stem है उससे हमें fibers मिलते हैं. Okay, you've taken a screenshot. Yes, ये रिबन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट देयर इन योर बुक. लेकिन जो भी प्लांट का जो बाहर का स्किन होता है और स्टेम होता है उससे हमें वो धागे जो हैं वो मिलते हैं. ठीक है. एंड कैसे इसको सेपरेट करते हैं, वी आर गोना स्टडी अबाउट दैट नाउ. स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स आर बंडल्ड एंड केप्ट इन सॉफ्ट रनिंग वाटर फॉर फ्यू डेज. ड्यूरिंग दिस टाइम द फाइबर्स बिकम लूज फ्रॉम द स्टेम and can be easily separated. Understood this one? I'm waiting because मैं बार-बार पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि इसके बाद activity आप खुद से करोगे. मैं बिल्कुल help नहीं करूँगी activity में. ठीक है? Stem कैसे? Okay, Fatima has not understood. I'm gonna pause recording. So we keep it in running water and उसके fibers ऐसे धागे की तरह अलग होके आ जाएंगे. Okay, now I'm gonna start the video again. हाँ? The process of extraction of jute fiber from the stem is called retting. Don't remember this. You don't need this. There are many uses of jute fiber. It is also used for making sacks and coarse cloth. We are also making curtains, chair coverings, area rugs, hessian cloths, etc. Take a screenshot of this. ठीक है? मैम डन. डन? बोरी किससे बनती है, कॉटन से या जूट से? मैम वो हाथ किसका है मैम? जूट से मैम. जूट से. फाइबर से. परफेक्ट. इफ आई आस्क यू बोरी यानी सैक किससे बनता है, यू से जूट फाइबर एंड गोल्डन फाइबर. ठीक है. और गोल्डन फाइबर. क्या हाथ किसका है, कहाँ पे हाथ? डन. तो अभी हमारी एक्टिविटी ये है कि यहाँ पे मैंने सारा जो भी प्रोसेस है उसको लिखा है, लेकिन ये जंबल्ड है. ठीक है.
आप लोग ये वाला पार्ट पहले पढ़ोगे, पूरा जंबल वाला आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक में देखोगे, खुद से मैं आपकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, और आप इसका करेक्ट ऑर्डर लिखोगे। जैसे मान लो करेक्ट ऑर्डर, प्लीज बी ऑन म्यूट, समबडी इज नॉट ऑन म्यूट, आफ्टर दिस आई एम गोना आस्क यू टू रिपीट। मैम ये मैं पढ़ के लिखूंगी भी। यस, आपको ये पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में मत बोलना मैम ये पूरा लिखना है क्या, मैम क्वेश्चन लिखना है क्या, मैम नहीं, आप लोग क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हो, आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, आपको सिर्फ ये ए बी सी डी ई चाहिए, बाकी आप रीड कर रहे हो खुद से, ठीक है। सो मान लो अगर आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाला आंसर इज ओके, फर्स्ट स्टेप इज बी, अगर मान लो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई डोंट नो इफ दैट द फर्स्ट स्टेप, यू विल फाइंड आउट, बी है, फिर नेक्स्ट स्टेप अगर ई है, फिर नेक्स्ट स्टेप अगर डी है, तो आप लोग बस एक 5 लेटर वाला ऐसे आंसर लिख रहे हो, ठीक है। आप लोग को ये पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, यू विल लुक एट योर टेक्स्ट बुक एंड करेक्ट सेंटेंस को ऑर्डर में लिख रहे हो, दैट्स ऑल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम क्लियर। ओके देन अमनुला रिपीट माय इंस्ट्रक्शंस, व्हाट आर वी डूइंग? अमनुला व्हाट आर वी डूइंग? मैम ए होगा था जो इनपे लगना था भाई मैम। ओके अभी लिसन शाहिया टू अमनुला, पता नहीं मैम आप क्या पढ़ेगा। ओके अभी अमनुला की बात सुनो, अमनुला बताओ हमें क्या करना है इसमें। मैम ये बी सी डी ई है ना मैम, वो फाइव बी बी वैसे करके फाइव बी लिखना है मैम। अमनुला क्या आप ये फुल सेंटेंसेस लिखोगे? नो मैम। नो, आपको बस करेक्ट ऑर्डर ए बी सी डी ई का, ये जंबल्ड है उसको बस आप करेक्ट ऑर्डर में लिख रहे हो। ओके इट इज 10:50, मैं आपको 10 मिनट दे रही हूँ टिल 11 o'clock। ओके यू विल लुक एट योर टेक्स्ट बुक एंड यू विल लुक एट दिस एंड अरेंज इन ऑर्डर। मैम ये क्या है मैम? बस खेल गेम है। ओके ओके ओके, जो डार्लिंग्स होल्ड ऑन, आई विल गिव यू अ हिंट। ओके मैम दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बुक मैम, दिस इज योर टेक्स्ट बुक ओनली, नो यू हैव अ डिफरेंट टेक्स्ट बुक, दिस वन इज योर टेक्स्ट बुक राइट? हेलो मैम यू कैन सी, माय गॉड व्हाई इज देयर सो मच कंफ्यूजन, दिस इज योर थर्ड चैप्टर, यस और नो? रहमत इज देयर इन योर बुक? आई हैव दिस। ओके दैट मींस माय टेक्स्ट बुक इज करेक्ट। Yes, बच्चे हाँ करेक्ट, ये रहा ना मेरा, ये बस एक एक पेज ये करेक्ट है, ठीक है, कॉटन वाला है ना आपका नीचे। ओके फर्स्ट स्टेप मैं आपको इसका फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ, ठीक है, डी जो है वो फर्स्ट स्टेप है हमारा, क्योंकि पहले हमको कॉटन को ग्रो करना है फील्ड में, somebody is not on mute, हमको पहले कॉटन को ग्रो करना है फील्ड में, हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ओके दिस बिकम्स माय फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट में आगे जब पढ़ूंगी, कैन यू नेम समथिंग समथिंग नॉट इम्पॉर्टेंट, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर साइज ऑफ लेमन, ये लिखा है यहाँ पे। ओके So can I say which one is the second wala step? Which line is next? Which one is my second step? See, kaam hai textbook mein bhi hai kya ma'am? Haan, maine textbook se ye copy kiya hai. Bas maine order. Rukiye ma'am, main textbook nikalti hu. 5 minute. Okay, fine. Guys, it's not that confusing. Aap sab log unmute kar rahe ho apne aap ko, isliye bahut zyada shor mach raha hai. Ma'am, C wala second hai. सी वाला सेकंड है। ओके लेट्स टेक अ लुक। ओके फखरुद्दीन, सो फर्स्ट वाला तो डी है, मैंने यहां से कॉपी किया है फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, तो डी मेरा फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड वाला यहाँ पे लिखा है द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट साइज ऑफ अ लेमन, ठीक है, आफ्टर मैच्योरिंग दिस कॉटन बॉल्स आर बर्स्टिंग ओपन, ठीक है, तो एक मेरा यहाँ पे लाइन है फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर साइज ऑफ लेमन एंड बर्स्टिंग ओपन वाला, ये लाइन है। अभी बताओ सेकंड वाला क्या आएगा डी के बाद? नगमा प्लीज बी ऑन म्यूट।
नाउ टेल मी आउट ऑफ ए एंड ई डी के बाद क्या आना चाहिए. लुक एट द पैराग्राफ्स आई मीन सेंटेंसेस हियर. This one and this one. Simple. Which one should come next? I thought this would be easy for you. This is difficult. Can somebody guess at least? Ma'am, E. E is first step. I mean, okay, D is the first step. Second step is E. Look at the sentence. Which sentence is coming first? मैम ये मैम बी ए डी के बाद इट इज ए डार्लिंग्स. ये देखो ना मेरा फर्स्ट सेंटेंस मैंने सीधा टेक्सटबुक से आपके सेंटेंसेस लिए हैं. मुबशिरा गो ऑन म्यूट. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. यहां पे भी सेम चीज. मतलब आपको रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है. आपको समझ में आ गया बट यू आर नॉट एबल टू रीड. Is it? आपको टेक्सटबुक रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है? No, ma'am. नाज़मा आपका टेक्सटबुक ओपन भी नहीं है. ओपन करो उसको. Okay, I'm gonna stop this recording. I know आप लोगों ने ये सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं बट हमारा ऑर्डर डी ए ई बी सी है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर्स भी लिखे हैं. ठीक है तो ये लो. अगर आपको ये देखना है आंसर्स, अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग कैसे लिखोगे इसको करेक्ट ऑर्डर में. मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है. मतलब सॉरी इसका करेक्ट ऑर्डर मैंने ये रेड में लिखा है. स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव. सो व्हेन यू आर राइटिंग योर नोट्स ना गाइज, आप लोग क्लास के बाद ये अपनी नोटबुक में लिखोगे लेकिन इसको इस ऑर्डर में ही लिखना. ठीक है कि स्टेप नंबर वन ये है, स्टेप नंबर टू ये है, उल्टा पुल्टा नहीं लिखोगे आप. Is that clear? Got yes, it? Ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Write it in an order. अगर आप लोग को ये five lines याद है ना cotton के बारे में, how to make cotton from cotton fiber, then it's enough. आपका answer complete है. आपको कुछ और textbook में देखने की जरूरत नहीं है. Just remember these five points. Okay? बट जस्ट रिमेम्बर इट इन ऑर्डर. ऐसा नहीं है कि आप नोटबुक में उल्टा ऑर्डर में लिख के फिर नंबर डाल रहे हो. नहीं, प्लीज राइट इट इन द फर्स्ट. ये रेड वाला जो ऑर्डर है उसी सेंटेंस को उसी हिसाब से लिखना. कैन वी शो यू जूट वाला? कैन आई शो यू जूट वाला नाउ? यू विल डू इट बाय योरसेल्फ? यस मैम. ओके, जूट का आई एम शोइंग यू इधर. टेक्सटबुक ऑल्सो आई एम शोइंग यू एंड जूट वाला यू विल राइट बाय योरसेल्फ. ठीक है, ये रहा जूट का. I'm showing you the jumbled sentence. Okay, this is your jumbled sentence. I'm stopping the recording here. People are watching this video can pause it. For tomorrow's test, you are doing everything before topic 3.4. Okay, ma'am. Okay, be on mute again. Before topic 3.4, what is most important out of this? आप लोग को टाइप्स ऑफ फाइबर ऑलरेडी पता है सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट मोर. आपको ये कॉटन एंड जूट एकदम अच्छे से पढ़ना है सारे स्टेप्स के साथ. मैं कॉटन और जूट का फाइव पॉइंट्स आपको भेज दूंगी ग्रुप में ऑर्डर में और उसी ऑर्डर में आप याद करोगे. रट्टा मत लगाओ, समझ के करो, अपने वर्ड्स में लिखो. इट्स फाइन एज लॉन्ग एज ऑर्डर इज सेम. आई विल गिव यू पॉइंट्स. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? Your homework is to just remember it in order. ठीक है, जो भी मैं notes भेजूंगी. Notes याद करना. Till jute end तक. Spinning cotton yarn नहीं आएगा आपके टेस्ट में. आप सिर्फ यहाँ तक पढ़ोगे. ठीक है, और इसके पांच पॉइंट जूट के और पांच पॉइंट कॉटन के आप अच्छे से याद करके आओगे जो कि मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी ऑलरेडी. ठीक है,
मैंने बना के रखे हैं 5 पॉइंट्स। ओके,